लाइक आपने सिटी कौन सा विजिट किया, ये तो मेन क्वेश्चन। दिल्ली कहते हैं दिल्ली और लाहौर, ये हम मैंने सुना है कि भाई एक जैसा है, जैसे कराची और मुंबई एक जैसा और वैसे दिल्ली और लाहौर, आपको लगता है एक जैसा है या वो डेवलप हो चुका या हमारे यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट है? कंसेप्ट है आपके भी रिलेटिव डेफिनेटली वहाँ पे जो रहते हैं मुसलमान ही हैं ना। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे मुस्लिम्स को अलग से ट्रीट किया जाता है, सब अब हमारा बिग बॉस जो लगता है उसमें भी इतने मुस्लिम भी लेते हैं बीच में है। और नहीं सब कुछ ही है वहाँ पे, आई डोंट थिंक सो कि अलग से ट्रीट किया जाता है। एक ही कम्युनिटी एक डिफरेंट है, लेकिन सफल होके अब इंडस्ट्री में भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं उनके, और काफ़ी आगे भी जाते हैं मुस्लिम्स, तो आई डोंट थिंक सो। अब बिल्कुल भी नहीं, मेरे रिलेटिव हैं वो वहीं से आई हुई हैं, इंडिया से ही, मतलब उनके नेशनैलिटी इंडियन की है। आपकी तो पूरी इधर फैमिली सिस्टम चल रहा है, कोई यहाँ से वहाँ वहाँ से, तो वो उनकी नेशनैलिटी इंडियन ही है, बट वो भी नहीं जा सकती, मतलब उनको भी नेशनैलिटी इंडियन है फिर वापस नहीं जा सकती, शादी होके आई है, शादी होके इधर आई हैं। बंदे को वेलकम करते हैं, हमारा एसएच कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा। इंडिया को जो है वो हमारा दुश्मन रहा है और रहेगा। नहीं देखिए, इस टाइम अगर हम बात करें ना, इस टाइम ये हमारे सोशल मीडिया या ओवरऑल मीडिया पे हमने देखा सीखा और वो ही हमारे माइंड में बैठा दुश्मन है। इस टाइम उतने अटैक अफगान बॉर्डर पे नहीं हो रहे और उतने इंडिया बॉर्डर पे नहीं हो रहे जितने अफगान बॉर्डर पे हो रहे हैं, तो फिर भी हम यही कहेंगे कि इंडिया दुश्मन है अफगान नहीं। जब मैं वो देखती हूँ ना इंडस्ट्रीज के लोगों को, जैसे कि सॉन्ग्स भी इकट्ठे मिलकर बनाते हैं, तो मुझे ऐसे फील होता है वो भी काफी ज्यादा लव शो करते हैं। अब जैसे कि हानिया आमिर को काफी पसंद किया जाता है उसमें इंडियन वाले, जरूर बताइएगा क्या हानिया आमिर को जानते हैं? फवाद खान को तो जानते होंगे क्योंकि वो इंडिया में काम भी करके आए, इसके अलावा एक हमारी और एक्ट्रेस थी जो पास भी गए हैं इंडिया में, एक्ट्रेस गई थी शाहरुख खान, हाँ जी मायरा खान, मायरा खान उन्हें जान, लेकिन हानिया आमिर आजकल काफी पाकिस्तान में बहुत फेमस है। जावेद, उर्फी जावेद तो मुझे भी बड़ी पसंद है उनकी फैशन, सुना बड़ी फैशन, लेकिन टैलेंट तो है बंदे के पास। अपना बिजनेस वाइंड अप करके उल्टा 30-40 लाख रुपया लगा के फिर उन गोरों की जिनसे हमने आज से 76 साल पहले आजादी ले ली है, अब फिर हम खुद शौक से पैसे लगा के जा रहे हैं दोबारा गुलामी करने। हमें तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है, आजाद जरूर हुए हम लेकिन अभी तक हम गुलाम ही हैं। ठीक हो गया, लेकिन अल्लाह इनकी बड़ी डेवलपमेंट ये है, फिर आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं और सिंसेरिटी से करते हैं, तो ये चीज भी बड़ी नोट की गई है। और इसी वजह से शायद दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज ये चाहते हैं कि उनके पास जो वर्कर आए, जो लेबर आए खासतौर पे, वो इंडियंस आए। और इवन इस्लामी कंट्रीज, यूएई की बात करें या सऊदीया की बात करें, यहाँ पे भी मोस्टली जो उनकी मैनेजिंग पोस्ट पे वो इंडियंस मौजूद है। स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड हैप्पी दिवाली, बिग बॉस एक तरह बताया।